The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एक ब्लड टेस्ट की सीरीज शुरू करेंगे और सारे ब्लड टेस्ट के बारे में आपको फुल डिटेल में बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे, तो ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे कॉमन टेस्ट ले रहे हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में जानना सबको आवश्यक है, सबको ज़रूरी है और ये बहुत कॉमनली होता है। लिटरली हर एक इंसान का कभी ना कभी ज़िंदगी में कंप्लीट ब्लड काउंट ज़रूर होता है, सो यू शुड गो थ्रू अंडरस्टैंडिंग, ये समझना ज़रूरी है। लेट्स सी कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है। एज यूजुअल हमारे चैनल में दी गई जानकारी वेरीफाइड होती है US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से, ऑथेंटिक होती है, आप भरोसा कर सकते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। सो कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है? देखिए, सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके ब्लड को ही चेक किया जाता है। ब्लड के अंदर जो जो चीजें हैं उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कॉन्सेंट्रेशन सब देखा जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट में। क्या क्या होता है ब्लड के अंदर जिनको देखा जाता है? रेड ब्लड सेल्स, RBCs। रेड ब्लड सेल्स क्या है? वो सेल्स हैं जो आपके खून में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। कहां से? लंग्स से, कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आता है खून में रेड ब्लड सेल्स में, वो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल लेके जाते हैं। और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, जो ऑक्सीजन लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल के साइज, रेड ब्लड सेल कितने हैं ब्लड में, ये सारी चीजें मेजर होती है आपके सीबीसी में। दूसरी चीज जो मेजर होती है वो है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? आपकी बॉडी के फाइटिंग सेल्स है, आपकी बॉडी के सैनिक है, इन्फेक्शंस को फाइट करने वाली चीजें हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं। इनमें जो मेन होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जब बहुत ज्यादा होते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स दूसरे पांच प्रकार के हैं। लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लो होते हैं तो कैंसर्स और ऑटो इम्यून डिजीज, दूसरी कई वायरल इन्फेक्शंस, कई सारे इन्फेक्शंस को इंडिकेट कर सकते हैं, लो इम्यूनिटी इंडिकेट कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके बॉडी के इन्फ्लामेशंस के जाते हैं। अगर न्यूट्रोफिल्स हाई होते हैं तो हो सकता है आपको पेन हो रहा हो, इंजरी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं तो भी वो ऑटो इम्यून डिजीज या लो इम्यूनिटी में हो सकता है, ब्लड कैंसर्स में, कई सारी बीमारियों में हो सकता है, राइट? सो हमें यह देखना होता है कि इनमें क्या दिक्कत हो रही है। डब्ल्यूबीसीज में गड़बड़ी का भी इंडिकेशंस होता है। फिर तीसरे सेल्स हैं आपके इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स ज्यादा होते हैं तो हो सकता है आपको एलर्जिक टेंडेंसी ज्यादा है। और बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, उन सारे टेस्ट को भी, उनको भी टेस्ट किया जाता है। फिर प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर। प्लेटलेट क्या होते हैं? प्लेटलेट वो टाइप के सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉट करके खून की अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकते हैं। इसीलिए कहीं पर आपका चोट लगे, इसीलिए जहां से खून निकालते हैं वो थोड़ी देर में रुक जाता है, क्योंकि आपके शरीर में प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, प्लेटलेट काउंट सही है या नहीं। प्लेटलेट काउंट कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट का ही नाम है, और प्लेटलेट ज्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। तो हर एक चीज में अलग अलग इंडिकेशन होता है। अगर प्लेटलेट ज्यादा है सो दैट कैन इंडिकेट वायरल इन्फेक्शंस या डिहाइड्रेशन या बहुत सारी चीजें। देन देयर इज, उसको अलावा और क्या देखते हैं? हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का मतलब आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितने परसेंट ब्लड का वॉल्यूम ले रहे हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के अंदर कितने परसेंट है, मेड अप ऑफ दैट, राइट, दैट इज हिमेटोक्रिट। सो हिमेटोक्रिट भी मेजर होता है। ये सारी चीजें मेजर होती हैं। उसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट में इसके अलावा जो केमिकल कुछ कई तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस भी मेजर किए जा सकते हैं आपके ब्लड में, और ये सारी रिपोर्ट अल्टीमेटली आपके डॉक्टर को इंफॉर्मेशन देती है आप ही के बारे में। याद रखिए कि कंप्लीट ब्लड काउंट अपने आप में ऐसी कोई बीमारी या एक ही इंडिकेशन नहीं देता कि हाँ आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके साथ आपके डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स, आपके दवाइयाँ, करंटली चलने वाली दवाइयाँ और बाकी सारे फैक्टर्स, कई सारे, आप कहाँ रह रहे हो, क्या सिचुएशन है, सारे फैक्टर्स को मिला के एक डायग्नोसिस पे आना होता है कि ये आपकी दिक्कत है, ये बीमारी है और ये चीज़ को इस तरह से मैनेज करना आपके लिए बेस्ट है।
हर एक इंसान के लिए हर एक ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं होता है. सो द मेन थिंग इज कि आपको अपने सीबीसी को अपने डॉक्टर को दिखाना है और डिस्कस करना है कि उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कितना है. इस टेस्ट को कब यूज किया जाता है? इस टेस्ट को ऑलमोस्ट हर बीमारी के स्टार्टिंग स्टेज में किया जाता है, पर ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इसको इन्फेक्शंस में, खून की कमी में, इम्यून सिस्टम के बीमारियों में, ब्लड की कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, आपको कोई मेडिकल, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, तो ज़्यादातर डायग्नोसिस के लिए इस टेस्ट को किया जाता है. और आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप में भी ये टेस्ट इंक्लूड किया जाता है. और होता क्या है इस टेस्ट में, आपका खून लिया जाता है, आपका खून छोटी सी नीडल से आपका खून लिया जाएगा, नीडल को निकाल के एक ट्यूब में डाल दिया जाएगा, उसको लेके भेज दिया जाएगा लैब में, वो टेस्ट करेंगे, थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा. कई बार एक दिन लगता है, कई बार थोड़ा कुछ घंटे लगते हैं, तो वो आराम से पता चला डिपेंडिंग अपॉन देयर मशीन. क्या इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन करना पड़ता है? क्या फास्टिंग रहनी होती है? क्या खाली पेट आना होता है? क्या कुछ खा पी के आना होता है? क्या पेट साफ होना चाहिए? क्या ब्लैडर फुल होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इस टेस्ट के लिए आपको कोई प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है. कभी भी किसी भी हाल में ये टेस्ट किया जा सकता है. ठीक, उसके अलावा क्या इस टेस्ट में कोई रिस्क है? देखिए, हर एक टेस्ट जिसमें खून का इंजेक्शन, खून लिया जा रहा है, उसमें माइनर रिस्क रहता है. आपको स्लाइट पेन हो सकता है, आपको ब्रूजिंग हो सकती है जहां पर आपका खून निकला, लेकिन वो कई ज़्यादातर केसेस में थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, क्विकली ठीक हो जाती है. अनलेस एंड अनटिल आपको कोई लिवर की बीमारी हो, खून बहुत ज़्यादा पतला हो, खून पतला करने की बहुत सारी दवाई चल रही हो, तो फिर उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग या ज़्यादा कालापन आने के चांसेस होते हैं, या उम्र ही बहुत ज़्यादा हो. तो रिजल्ट्स के बारे में आपको एक नॉर्मल रिजल्ट, एबनॉर्मल रिजल्ट का एक डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है. लेकिन एक शॉर्ट में हम आपको भी बता देते हैं कि इसमें जो सेल्स के काउंट्स, मेजरमेंट्स और इन सब्सटेंसेस के लेवल्स में हमको एक आइडिया मिलता है कि कौन सी चीज़ अगर रेंज से बाहर है तो उसका क्या मतलब हो सकता है. जैसे कि अगर रेड ब्लड सेल्स, लाल रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन ही कम होगा. यानी अगर हिमेटोक्रिट कम है, मतलब खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल का परसेंटेज है वो कम है, या तो रेड ब्लड सेल जितना लिया वही कम है, या रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको एनीमिया है, यानी खून की कमी है, या तो खून बनाने वाले आयरन की कमी है, या तो कोई हार्ट डिजीज है जिसके चलते ये कम आ रहा है. उसके अलावा आप के अगर WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपके कम आ रहे हैं, तो वो इंडिकेट कर सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया, ऑटोइम्यून डिजीज को, बोन मैरो की बीमारियों को, या कैंसर को, और ऐसी कई और चीज़ें जिसको भी करता है. और व्हाइट ब्लड सेल्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं, हाई आ रहे हैं, वो इन्फेक्शन में हो सकता है और रिएक्शंस में हो सकता है. रिएक्शन खाने पीने की चीज़ के साथ हो सकता है, मेडिसिंस के साथ हो सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो क्यों बढ़ रहे हैं. एज़ यूजुअल, अगर आपके कोई भी टेस्ट के कोई भी लेवल एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दवा की आवश्यकता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंटली है कि नहीं सिग्निफिकेंट, क्लिनिकल कंपैरिजन, कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है आपके सिम्टम्स के साथ, आपकी दिक्कतों के साथ. कई बार आपकी डाइट, आपकी एक्टिविटी लेवल, आपकी करंट चल रही मेडिसिन, आप कोई जड़ी बूटी कोई दवा ले रहे हो, वो आप अगर फीमेल हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कई सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जो इन सारे लेवल्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं नॉर्मली भी, राइट. तो हमें ये कंसीडर करना पड़ता है एज अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से बात करनी होगी कि क्या आपकी रिपोर्ट में कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसका ट्रीटमेंट या जिसका इंडिकेशन कोई बीमारी हो सकती है. बीमारी होने पर, बीमारी पकड़ने पर ही इलाज जरूरी है. वैसे ही सिर्फ टेस्ट के ऊपर इलाज नहीं करना चाहिए, सिर्फ टेस्ट के ऊपर इलाज नहीं करना चाहिए. क्लिनिकल कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी हिस्ट्री से होगा, आपके सिम्टम से होगा, आपके पूरी लाइफस्टाइल समझ के होगा, एक पूरे डिटेल डिस्कशन से होगा. सो रिमेंबर, ये फर्स्ट पार्ट है इस पूरे सीरीज का. हर एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट को भी और डिटेल में, नॉर्मल टेस्ट क्या कैसा दिखता है कंप्लीट ब्लड काउंट, एबनॉर्मल टेस्ट के एक एक एबनॉर्मलिटी का क्या डिटेल में डिस्कशन होगा, सब कुछ आएगा. मेक श्योर टू फॉलो दिस सीरीज, मेक श्योर टू फॉलो दिस चैनल. लेकिन इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है. नॉलेज हम दे रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं बिना पंखे एसी के, ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए. सो मेक श्योर करिए वीडियो को शेयर जरूर करना है. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.